बाय बाय बोल भी दो बाय बाय बोलो। हेलो जी, क्या हाल चाल है आपका? सब लोग ठीक ठाक हैं? सलाम करो आयशा, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। चलो आप करें एक सब का सलाम। ठीक होंगे। अच्छा जी, हम लोग हैं बिल्कुल ठीक है। और ये देख ले, थोड़ी सी खुशियाँ आ रही है हमें। हम ना सोए हुए उठे हैं अभी। उठी है अभी जी। और सोई जिस तरह जिसने मैंने साथ ही आइसक्रीम मुंह में दे दी, वो बाहर आया तो मैंने ना वो आइसक्रीम रक्षे भी लेके आया, तो 10 रुपए वाली आइसक्रीम थी। तो मैंने कहा चलो खा के चेक करते। मैंने भी चेक की, फिर आयशा ने भी, थोड़ी सी अक्सा ने भी चेक की, एवं बिल्कुल। तो अभी हम लोग निकले अपनी ईद की कुछ ग्रोसरी करने। सब्जियाँ नहीं, टमाटर प्याज लहसुन ये हरी मिर्ची वगैरह सारा कुछ बताते हैं। सब्जियाँ, मेरी बात सुने, आप किस तरह की बात करें? सब्जियाँ अब ईद वाले दिन में सब्जियाँ खानी है मुझे पता है। टमाटर प्याज लहसुन थोम ये वो सारा कुछ आना है अभी, ये चीजें लेके आनी हमने। मैंने जी प्याज करवा ली है, टमाटर वगैरह करवा रहा हूँ, और दूसरा लहसुन किस तरह है? 100 रुपए पाव। लहसुन भी 1 पाव काट दीजिएगा, फिर मैं देख लेता हूँ। अगर 1 पाव काम लगा तो साथ में अभी फिर करवा लूंगा। और मिर्चियाँ किस तरह है? 100 रुपए पाव। 100 रुपए आधा किलो 250। मिर्चियाँ भी कर दीजिएगा, पाव ही काट दें मिर्चियाँ भी। और अदरक 100 वो भी पाव काट दें। सारा कुछ 100 ही होया है। रेट बढ़िया कोई कि नहीं? ईद ही जी भाई जान है, आ फड़ो हुण होई जे महंगाई है ना। मैं कह रही हाँ जी, अब चीजें महंगी। पिछली बार टमाटर लाया था 80 रुपए किलो, इस बार कितने? 150 रुपए किलो। प्याज भी महंगे, हर चीज महंगी हुई है। मैं बता रही थी पहले कि अब मैं क्यों, लेकिन लेकिन मेरी बात सुनिए, अगर हम हफ्ता पहले भी ला के रख लेते तो तुम्हारी चीजें खराब हो जानी थी। लेकिन टमाटर हमने फ्रीज कर लेने थे। बस टमाटर फ्रीज होने थे, प्याज का क्या कर? अभी प्याज में प्याज भी खराब नहीं होता। और ले आओ फिर, 1.5 किलो काफी है बता दे। कितना लेके आए? अभी 1.5 किलो लेके आए। ईद के 3 दिन तो अपने आराम से उनसे गुजर जाएगा ना भाई। वाकई सही बात है, ये बात ठीक है। ईद के पास आके महंगाई हो जाती है। जो ऐसे कोयले हैं वो भी मैंने डन कर लिए, क्योंकि अभी हम लोग खाते हैं कोयलों के शापर सामने तैयार हो रहे हैं कि मतलब लोग ना उसे ना कोयले शोले लेके जा रहे हैं। तो मैंने भी 3 किलो कोयले किए हैं, कोयले मिले मुझे 100 रुपए किलो के हिसाब से। तो 2 किलो वाला एक बना लिया, पैकेट किलो वाला मैंने एक बना लिया हुआ है। क्या मेरा पी रहा है यहाँ पे छोटा सा जूजू जूजू पी रहा है। और यहाँ से कि मैं ले रहा हूँ मैंगो अक्सा के लिए। अक्सा ने कहा जी फेवरेट मैंगो खाने हैं, और कोई फ्रूट चाहिए तो वो भी साथ बता दें। ग्रेप्स भी आए हुए हैं, चेक करो। ग्रेप्स भी जो है ना बड़े अच्छे अच्छे ग्रीन ग्रीन से, अभी मुझे पहली बार ही मतलब अभी अलीपुर में नजर आए। बाकी रेड़ियाँ होती है ना, मैं उधर तक ज्यादातर जाता नहीं हूँ। मैंने एक परमानेंटली भाई रखे, मैं इनके पास आता हूँ। इनका मुझे टेंशन कोई नहीं होती कि मैंगो या कोई भी चीज लो तो मुझे कोई फ्रूट वगैरह खराब देंगे, इस तरह का कुछ भी नहीं इनका। अच्छा नहीं आते हैं, मैंगो क्या कहते हैं फ्रेश फ्रूश करने शुरू कर दिए। 1.5 किलो मैंगो में 4 आए हैं, मैंगो इतने बड़े बड़े से हैं। तो अक्सर आप उसको रखें बिल्कुल ऊपर ठंडा करें। मैं क्यों रखूँ, आप रखें। मैं कैमरा ही पकड़ू क्या करूँ मुझे बताएं। नहीं जी, फ्रिज खोलते हैं, साथ व्लॉगिंग भी करते हैं। ये देखें ऐसे करके एक सारे फ्रिज में रख दिया। बस फ्रिज खोली वो तो मैंने खोल दी। फिर अभी ग्रेप्स खाए जा रहे हैं। ग्रेप्स खा रहे हैं मिट्टू। ये टमाटर जी देख ले, लाल लाल ही लेके हम, पीले काम नहीं है। ये हो गई जी हमारी मिर्चें, ये हो गया जी प्याज अदरक और सारा कुछ। लहसुन मेरे ख्याल से काम तो नहीं ले आया मैं। 100 रुपए का पाव था वैसे, सही बात है। 100 रुपए पाव था लहसुन। लहसुन तो बहुत कम लेके आए हैं। तुम्हें बताना था ना, थोड़ा कल थोड़ा सा और ले आऊंगा, 1 पाव और ले आऊंगा। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा शायद का पाव काफी होगा। हाँ 1 पाव है, ये तो बहुत कम है फिर। बस 1 पाव में यही आया, और 100 रुपए पाव था, पता नहीं 100 के 150 रुपए पाव। ये फ्रिज में रखते हैं और मिक्स करके खाते हैं, ठीक है आयशा? ये कहने है आयशा ने, ये कहने है वॉश करके रखे हैं। मुझे नहीं पता भाई, रख लेती हूँ, मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या। हाँ कमेंट्स में बता दीजिएगा आप लोग। क्या खाना है, क्या खाना है? आइसक्रीम खाना है। अच्छा दे जरा इसको आइसक्रीम खाके। क्या खाना है आयशा ने? ग्रेप्स नहीं खाने, मैंगो नहीं खाना आपने? मैंगो क्या खाना है मेरे को? नहीं ना आइसक्रीम नहीं मिल सकती। क्या खाना है दोबारा बताओ, क्या खाना है जी? क्या चाहिए? चॉकलेट खाना है। किसने खाना है चॉकलेट? ये जी हमारा फैन चल रहा है, इसकी आवाज आ रही होगी तो मैं खोल के तो अपने बच्चे को। क्या खाना है पहले बताओ, क्या खाना है? अक्सर टॉकेट आना है। क्या खाना है आपने? खोल के तुम्हें अपने मिट्टू को। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये ना 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 ना। अच्छा अच्छा ये लो ये लो ये लो ये लो, इतनी है और नहीं है अंदर। चली गई अपनी चॉकलेट लेके, अब जा खाएगी उधर आराम से। कौन से ये देख, ये चेक हो रही है चॉकलेट पूरी डाल ली मुँह में। अक्सा खेस ले लो, खेस ले लो, खेस ले लो, मैं उतर दुकान से जा खिलौना। खेस ले लो, खेस ले लो, 1 2 3 4 4 खेस इस बीबी ने यहाँ पे टंगे पड़े हैं। हाँ ये मैं लटकाए, मैंने कहा ऊपर अभी आंधी चलती है तो
ये तो हमें भी नजर आ रहा है लटकाए, लेकिन जगह यही मिली थी आपको लटकाने के लिए। मैं लटका सकती थी। ये देखे चारों खेसों के ऊपर लाइन लगाई हुई है, ये कितने का दे रही है आप मैडम? हम कितने का खेस बेच रही है? 10 रुपए का। मैं बात करता हूँ 40 रुपए देगा, खेस ला लेने उसके बाद में खेस दे। कितनी दुखी स्टोरी है, सिर्फ ये शिफ्टिंग में यूज होते हैं चीजों चूजों को लपेटने के लिए, बाकी तो इतने यूज में आते कोई नहीं है। बहरहाल अभी लाइन बना के ना वो ऊपर तक लटकाए हुए हैं सारे अक्साने। सुने आपसे एक बात करनी है, इतना जल्दी करें, जल्दी आए इधर, आए इधर, आए जल्दी आए जल्दी आए, मैंने आपसे एक बात करनी है। कीमती चीजें छुपा के रखी जाती है इधर, आए कीमती चीज है ये, ईद वाले दिन मिलती कोई नहीं है, शॉर्ट हुई होती है, सही बात है, और महंगे भी अच्छे खासे हुए हैं ये। पहले मेरे ख्याल 50 रुपए किलो लाता रहा हूँ मैं, 100 रुपए किलो हो गए हैं, और ये ईद वाले दिन ना लोग इनके लिए पीछे तरस रहे होते हैं। किसी को आप हाँ कि जब जिसने जब ईद वाले दिन सही, अभी पहले 50 थे, अच्छा समझ आई। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, ईद वाले दिन जब ये नहीं ना मिल रहे होते तो किसी को कहे ना 500 रुपए किलो तो वो उतने में भी ले लेगा। मैं तैयार होता हूँ इतने में लेने के लिए, लेकिन इस बार हमने ये काम पहले मुका लिया। हमें एक दो और काम है जो कि हमने करने हैं, जिसमें फॉर एग्जाम्पल हमारी आ जाती है पट्टी वगैरह और सीखे वगैरह, वो भी देखने कितनी महंगी मिलती है, अगर ज्यादा महंगी हुई तो फिर कोई नहीं हमने लेनी है। तो वो भी लेके आना। चलो चलो अंदर चलो, पहले अंदर चले, उसको दूध डाल दें, वो दूध डाल दें कह रही है आपको। नहीं, मैंने उसको ना मैंगो काट देना। बेगम निकालने लगी है मैंगो, ग्रेप्स रख दिए नीचे, काट ले सारे काट ले। आई आई ओ डी आई हाय, अब मेरी लात क्यों फाड़ ली, ये एक दफा स्लिप हुई है, स्लिप हुई है ना, ये मैंने फ्रिज खोली है ना पानी के ड्रॉप के अंदर, एक दो पहले स्लिप हुई है तब की डर गई है पता है। पानी हम इनको काटते हैं, काट के बैठ के आराम सुकून से खाते हैं इन मैंगोज को। ठंडे हो गए मैं सही के नहीं? ठंडे हो गए, हो गए। क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या हुआ है? आ रहा है मैंगो। हाय 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 हाय, मैं तो कहता हूँ ईद नहीं होगी, मैंगो भी पड़े हुए हैं, ग्रेप्स भी पड़े हुए हैं। ये लो इसका करो, आ यहाँ पे खड़ी, क्या करना है, आ कहीं है, ये लो इसको, ना जी मैंगो नजर आ रहे हमें, ना करो। हाँ, हम दिन में क्या बात कर रहे थे, इसको कैसे पता चलता है क्या? इतने जैसे आप काम करें, इसको पता नहीं कैसे पता है कि ये वाला लफ्ज इधर ही बोल रहा है, ना करो मैंने इधर ही बोलना है, वो बोलने लग रही थी ना करो, कैसे इसको पता है कि ये वाला वर्ड मैंने यहाँ पे बोल। हम देखे खड़ी ये मैंगो, बस वेट कर रही है कि मैंगो कटे, मैंगो बहुत फेवरेट और मैं खाऊं। एक साथ मैंगो काटे हैं और काट के मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा हम खा गए हुए हैं, ठीक है, और लेके ऐसे अभी बाहर आए हैं, चार के चार मैंगो जैसे खा जाने, और ये दो खा के हमारी बस हो गई है, स्वीट बहुत ज्यादा है। ऐसा क्या कर रही हो आप, ये देखे मेरी पॉकेट के साथ पता नहीं क्या करी जा रही, इसको दे जरा, दे जरा मैंगो, दे मैंगो, दे ग्रेप्स, दे ऐसे, ये मैंगो मैंगो आ आ आ आ ना जी बस हो गई, लगी है दाल माश आपने यार, दाल माश तो कभी चावल होते ना, अक्सर मसूर की दाल का मजा आ जाना, सही बात है। नहीं नहीं मसूर की दाल का दाल माश का मजा आ जाता, चावलों के साथ मजा आया, मेरा दिखा रहा चलो दाल चावल आपसे बनवा लेता आज, दाल चावल 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 ढूंढ के लेके आए, अल्लाह करे को खुशखबरी सुना दे। और ये औरत, और ये औरत मुझे लगता है मुझे खुश, इतने चावल पड़े हुए कह रही है चावल नहीं है घर, मुझे पता नहीं था, मुझे सब पाया इसकी घर, मुझे लग गया आपका दिल नहीं कर रहा दो यार, अच्छा मेरे मैं पाड़ने नहीं कपड़े अगे मसा मसा चार शर्टा ली है, शुगर पड़ी हुई है, अच्छा मुझे अभी भी यही लग रहा था, अच्छा हाँ हाँ जी हाँ जी, मसूर की दाल क्यूब्स में उस दिन लेके आया हूँ, उस दिन ले आ रहा ना, तो मैं मेरा नहीं जाने का दिल कर रहा। आयशा क्या कह रही हो, क्या कह रहा मिट्टू, पकड़ लो आयशा को, पकड़ो 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 पकड़ो, भागो 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 बस भागो 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 भागो, अक्सा आप भी इसको आगे पकड़े, आगे से ये नहीं आ था रही, भागो 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 भागो, आगे पानी तो नहीं है, स्लिप हो जानी है, भागो भागो भागो, ये पहुंच गई, भागो 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 भागो, अच्छा भागो भागो सुनते ही भागने लग पड़ती है, पकड़ो पकड़ पकड़ो पकड़ पकड़ो, आगे से पकड़ते हैं, आगे से, आगे से पकड़ते हैं, आगे से पकड़ते हैं, खाने के लिए खड़ी हुई है दाल पास, वो मैंने कच्चे चावल में दो तीन डाले हुए थे ना उसके दाने, हाँ। उसको लग रहा है मैं ये खा रही हूँ, काले वाला नहीं है ले जी। फिर हमारा ये डिसाइड हुआ कि हम लोग बाहर नहीं जा रहे, अब गाड़ी निकालने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, और शॉप कोई करीब है नहीं कि जहाँ से मैं जाके लेके आ सकूँ, तो फिर प्लान कैंसिल हो गया दाल चावल वाला। हाँ जी खा नहीं रही, बस एवं ड्रामे कर रही है, मुंह हिला रही है मैं खा रही हूँ जी, ऐसे पास खड़ी देख रही है ना कि बस मिल जाए मुझे किसी तरीके से।
तो जी आज अक्सा ने मैसेज कर दिया जरा चीटिंग। मैंने तो नहीं की, चीटिंग ही की है। मैं सुबह से आपको कह रही थी कि मुझे बता, ग्रोसरी का सामान लेके आई तो कम से कम बंदा साथ किनोर चिकन क्यूब्स तो लेके आता है। अभी तो काफी चीजें हम लेके नहीं आए, भूल गए थे हम, तो याद रखनी थी ना। आप क्या करें, आप देखें नहीं पक सकती दाल, इसलिए बाइक होना एक चाहिए हमारे पास, छोटा है ना, छोटा बाइक। कैसे मैं कह रहा था, बच्चों वाला बाइक, एक बाइक सस्ता होना जरूरी ताकि मैं अकेला जाके कुछ चीज वगैरह तो लेके आ सकूं। यहां से जो दुकान है ना करियाने वाली, जो है बहुत दूर। अब बाय भी कर दो, बाय 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 बाय, बोल भी दो, बाय बाय बोलो। ये जितनी को मेहनत लगी है ना इस पे, अगर लाइक ना आप लोगों ने किया तो वीडियो का मजा कोई नहीं। हमें पता है हम सब से बुलवा रहे हैं। बाय या अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा लख लख शुक्र है, बाय शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, अल्लाह हाफिज़, बाय।